ये डायग्राम नहीं आता है एग्जाम में, है ना। आपको क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है, डायग्राम के अंदर जो कंसेप्ट समझा है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है दो बिंदु दे दें ए और बी, है ना, बोल दें कि भाई एक पार्टिकल यहां से जा रहा है इतने वेग से, थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पर पहुंचा, तो बताइए वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, वेग समान रहेगा या वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं, या कुछ नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से फिजिक्स पढ़ना है। तो यहां कम क्षेत्रफल था, यहां ज्यादा क्षेत्रफल था, और हम जानते हैं क्या कि भैया क्षेत्रफल और वेग में कंसेप्ट क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं दोनों। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं कंसेप्ट से फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नहीं तो सोचो कि यार एग्जाम्पल नली आई नहीं, यार सर ने बर्नौली पढ़ाया था, हाँ कि ना बर्नौली आया, ना आविरत्ता का सिद्धांत आया, ना ये आया ना वो आया, तो ये नली किस्मत हो तो आ जाएगी, अन्यथा इस नली में से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, हो सकता है बर्नौली की प्रमेय के अनुसार क्या होता है ये आ जाए। बात क्लियर है सभी को? यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है या कोई डाउट है, जिससे कि हम अपनी बात आगे बढ़ाएं।